मैं सरतास्त्र और आप देख रहे हैं सरतास्त्र की क्लास। भाई आज मैं आपको अंग्रेजी में टाइम कैसे बताते हैं ये सिखाने वाला हूं। बहुत सारे लोगों को टाइम बताना ही नहीं आता, उन्हें लगता है 9:15 को 9:15, 9:30 को 9:30 और 9:45 को 9:45 बोलते हैं। भाई ये टाइम गली मोहल्लों में एरिया में चल जाएगा, लेकिन अगर आप किसी बड़ी कंपनी में जाओगे, इंटरव्यू देने जाओगे या फिर विदेश में जाओगे तो ये 9:30 सुन के अंग्रेज ये बोलेंगे, ये सही तरीका नहीं है, 9:30 को 9:30 नहीं बोलते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ये 9:30, 9:45 वाले सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन होगा उसको दबा दीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम। तो चलिए गाइस शुरुआत करते हैं वीडियो की और जानते हैं अंग्रेजी में टाइम कैसे बताते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात याद रखिएगा, टाइम से पहले इट जरूर आता है। इट का ज्यादा इस्तेमाल सीखने के लिए वहां कोने में एक पट्टी चल रही होगी जहां पर जाकर आप इट के बारे में और जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल शुरू करते हैं अपनी वीडियो। अब आप अपनी स्क्रीन पर एक घड़ी देख रहे होंगे, इस घड़ी में ठीक 12 बजे हैं। ऐसे समय को परफेक्ट टाइम बोलते हैं। परफेक्ट टाइम मतलब इसमें मिनट विनट का कोई चक्कर नहीं होता है, एकदम एग्जैक्ट टाइम हुआ है। ऐसे टाइम को अंग्रेजी में ओ क्लॉक बोलते हैं। यानी कोई भी परफेक्ट टाइम हुआ है, जैसे यहां तो 12 बजे हैं, 1 बजा है, 2 बजे हैं, 3 बजे हैं, 4 बजे हैं, मिनट विनट का कोई चक्कर नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम हुआ है, तो ऐसे टाइम को बोलेंगे ओ क्लॉक। तो यहां पर 12 बजे हैं तो इसको बोलेंगे अंग्रेजी में 12 o'clock। तो हम लोगों को अगर बोलना है 12 बजे हैं तो क्योंकि मैंने बताया इट का इस्तेमाल जरूरी है टाइम से पहले, इट इज 12 o'clock। एग्जैक्ट टाइम के अलावा ओ क्लॉक किसी के साथ नहीं आएगा। ओ क्लॉक का मतलब होता है घड़ी में एग्जैक्ट इतना टाइम हुआ है। मुझे कहना है 1 बजे हैं, इट इज 1 o'clock। 2 नहीं बजे हैं, इट इज नॉट 2 o'clock। 3 बजे हैं, इट इज 3 o'clock। तो आगे से याद रखेंगे, जब भी एग्जैक्ट टाइम होगा तो वो टाइम और उसके ठीक बाद ओ क्लॉक बोलेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले आपको 2 फॉर्मूले याद करने होंगे। ये 2 फॉर्मूले आपके लाइफ टाइम काम आएंगे अंग्रेजी में सही टाइम बताने के लिए। और वो 2 फॉर्मूले हैं डैश पास टू डैश, डैश लेफ्ट इन डैश। अब इसकी हिंदी और इनका यूज मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पहले आप इन दोनों फॉर्मूलों को अच्छी तरह से रट लो। डैश पास टू डैश, डैश लेफ्ट इन डैश, डैश पास टू डैश, डैश लेफ्ट इन डैश, डैश पास टू डैश, डैश लेफ्ट इन डैश। अब आपको ये दोनों फॉर्मूले याद हो गए होंगे, मैं इनकी हिंदी आपको बता देता हूं। डैश पास टू डैश का मतलब होता है बजकर, और डैश लेफ्ट इन डैश का मतलब होता है बजने में। ऊपर वाले का मतलब है बजकर, यानी इतने बजकर इतने मिनट हो चुके हैं, यानी इतने मिनट आगे निकल गए हैं। और नीचे वाले का मतलब है बजने में, यानी अभी इतने बजने में इतने मिनट बाकी है, आगे नहीं निकले अभी बाकी है। इन दोनों फॉर्मूलों के शुरू के खाली स्थान में मिनट लिखे जाएंगे और बाद के खाली स्थान में घंटे लिखे जाएंगे। अब जरा इस घड़ी की तरफ देखिए, इस घड़ी में 12:15 हुए हैं। देसी स्टाइल में बोलूं तो 12:15 हुए हैं। तो नॉर्मल भाषा में लोग कहेंगे 12:15, ये गलत है। अब इन फॉर्मूले के आधार पर इस टाइम को बताना सीखिए। 12:15 हुए हैं, यानी 15 मिनट गुजर गए हैं, आगे निकल गए हैं। तो ऐसी कंडीशन में फॉर्मूला लगेगा डैश पास टू डैश। अब इस फॉर्मूले में पहले मिनट भरिए 15, 15 past 2, अब घंटा भरिए 12, 15 past 2 12। एक और चीज मैं आपको यहां पर बता दूं, 15 को घड़ी की लैंग्वेज में इंग्लिश में क्वार्टर बोलते हैं, तो आप 15 past 2 12 की जगह 12:15 लिख देंगे तब भी अच्छा ही है, ये भी एक स्टाइल माना जाएगा। तो 15:15 यानी 12:15। अब जरा ऐसी अंग्रेजी बोलोगे तो कितने अच्छे लोगोगे। अब इसी टाइम का दूसरा रूप भी है। भाई एक जगह तो 12:15 हुए हैं, यानी 12:15 हुए हैं, लेकिन इसका दूसरा रूप ये कह रहा है कि 1:45 बाकी भी तो हैं। तो अब हम दूसरा फॉर्मूला यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, 45 left in 1, यानी 45 मिनट बचे हैं। लेफ्ट माने बचे हैं, इन माने में, 1 माने 1 बजने में, 45 left in 1। तो अब अगर मुझे कहना है 1 बजे हैं तो बोलेंगे 1:15 या फिर 15:15, या फिर मैं कहूं 3 बजे हैं 1:15 3 या फिर 15:15 3, या फिर 5 बजे हैं 1:15 5 या फिर 15:15। यानी कि इन सब टाइमों में 15 मिनट यानी घड़ी का क्वार्टर हिस्सा पास्ट हो चुका है, गुजर चुका है। इन सबसे पहले इट लगाना मत भूलना। अब जरा इस घड़ी की शक्ल पर नजर डालिए, इसमें 12:30 हुए हैं। देसी स्टाइल में बोले तो 12:30, तो यहां पर 30 मिनट गुजर चुके हैं, यानी 12:30 हुए हैं। तो यहां बजकर वाला फॉर्मूला उठा लेते हैं, तो 30
past to 12. अब इसका एक और मजेदार स्टाइल ये है, 30 की जगह हाफ भी बोल सकते हैं, जैसे वहां पर 15 को हमने क्वार्टर बोला था, तो यहां पे हाफ पास्ट 12. हाँ, एक बात याद रखना, अगर आप हाफ बोल रहे हो तो टू मत लगाना, ये स्टाइल है कुछ टेढ़ा मेढ़ा सा, पता नहीं क्या। इसी टाइम का दूसरा रूप ये भी है कि अगर 12:30 हुए हैं तो 1:30 बाकी भी तो हैं, तो इसे अंग्रेजी में दूसरे फॉर्मूले के अनुसार बनाएंगे, डैश लेफ्ट इन डैश। अब 30:01 यानी 30 मिनट बचे हैं किसमें, 1:00। 30 की जगह हाफ भी कर सकते हो क्योंकि हाफ गुजर गया, अब हाफ बचा भी तो है वापस जाने में, तो यहां पे बोलेंगे हाफ लेफ्ट इन वन। इसी तरह से 1:30 को बोलेंगे हाफ पास्ट वन। इसी तरह से 3:30 को बोलेंगे हाफ पास्ट थ्री, यानी हाफ यानी आधा हिस्सा घड़ी का, पास्ट यानी गुजर गया है 3 में। अब यहां पर एक और घड़ी पर नजर मारिए, इसमें 12:45 हुए हैं, या फिर कह सकते हैं कि 1:15 बाकी है, देसी स्टाइल में बोलेंगे पौना एक। तो चलो फिर इसे दोनों स्टाइल से बनाते हैं। सबसे पहले है 12:45 यानी 45 गुजर गए, तो फिर वही पास्ट वाला फॉर्मूला उठा लो, डैश पास्ट टू डैश, तो यहां पर लिख देंगे 45:12, यानी भाई 45 थे जो 45 थे वो पास्ट हो गए, गुजर गए, 12 यानी 12 में गुजर गए, 12 के बाद गुजर गए। अब बचे हैं 15, तो 1:15 बचे हैं, तो लेफ्ट वाला फॉर्मूला उठा लो, 15 लेफ्ट इन वन, 15 यानी 15 लेफ्ट माने बचे हैं 1 यानी 1:00। ओ क्लॉक नहीं आएगा, वो तो पता है ना, पहली बारी में मैंने बताया था कि वो एग्जैक्ट टाइम के साथ ही आता है, इसे बस इतना ही बोलेंगे 15 लेफ्ट इन 1। हाँ, इसको जरा स्टाइल में अगर बोलना चाहते हैं तो 15 की जगह जहां 15 आता है क्वार्टर बोल दो टाइम में, तो यहां पर हम बोल सकते हैं क्वार्टर लेफ्ट इन 1, यानी क्वार्टर बचा है 1:00। तो अगर मुझे कहना है 2:45, तो मैं कहूंगा क्वार्टर लेफ्ट इन 3, यानी क्वार्टर बचा है 3:00, या फिर मैं कह सकता हूं 2:45, यानी 2:45 भी तो हो गए हैं, 3:45 हैं, क्वार्टर लेफ्ट इन 4, यानी 4:00 15 बाकी हैं, और दूसरा नजरिया ये कह रहा है कि 3:45, यानी 3:45 हो गए हैं। आप जरा इस आखिरी घड़ी की तरफ देख लीजिए, इसमें 12:35 हुए हैं, नॉर्मली आप कहेंगे 12:35, ये बिल्कुल गलत है, बिना उन दो फॉर्मूलों के टाइम नहीं बताया जा सकता, और वही फॉर्मूले डैश पास टू डैश, डैश लेफ्ट इन डैश, चलो फिर बनाएं। 12:35 हुए हैं, यानी 35 मिनट 12 में गुजर गए हैं, तो लगाओ वही पास्ट वाला फॉर्मूला, 35 मिनट गुजर गए हैं 35 पास 12 में टू 12। अब इसका दूसरा नजरिया ये भी कहता है कि 25 मिनट बचे हैं 1:00, क्योंकि 12:35 होंगे, तो दूसरा स्टाइल ये भी है कि 25 मिनट भी तो बचेंगे, तो अब बचे हैं, मैं लेफ्ट इन वाला फॉर्मूला ले लो, 25 लेफ्ट, 25 बचे हैं इन वन 1:00, 25 लेफ्ट इन वन 1:00, 25 मिनट बचे हैं, इट लगाकर बोलेंगे 1:25 है, इट इज 25 लेफ्ट इन वन। तो कुछ इस तरह से अंग्रेजी में टाइम बताते हैं। अब आज मैंने आपको जो कुछ भी पढ़ाया है उससे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस यहां पर दिए हुए हैं, वीडियो को पॉज कर इन पर नजर मार लेना, अगर अभी भी कोई डाउट या फिर कोई टेंशन या फिर कोई सवाल है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, साथ ही साथ आज के टॉपिक से रिलेटेड मैंने कुछ यू वर्क है जो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपके लिए छोड़ा है, वहां जाना और अंग्रेजी में टाइम बताकर आना जैसे मैंने आज आपको सिखाया है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और एक लाइक भी करना और एक प्यारा सा कॉमेंट। We'll be right back.